प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एंड द एंटायर वर्ल्ड वाज वाइप्ड आउट। और हमें पता है बिफोर द एंड ऑफ टाइम्स कुछ मेजर साइंस होंगे और उस पर फिर ईसा इब्ने मरियम का नज़ूल होगा, इमाम मेहदी का नज़ूल होगा। सो आपको ख्याल से द वर्ल्ड विल बी वाइप्ड आउट अगेन? हम वो लोग हैं कि जिनसे अल्लाह का वादा है, हम वो लोग हैं कि जिनके नाम अल्लाह के हुजूर में लिख दिए गए हैं इंशाल्लाह कि ये दुनिया पे हुकूमत करेंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह हैं कि जैसे ये दो उंगलियाँ मिली हुई हैं। तो हज़रत नूह अलैहि सलाम के दौर में दुनिया वाइप आउट हुई, लेकिन दोबारा से फिर सारी जनरेशन्स और इंसान सब कुछ नए सिरे से हुआ। अब जो वाइप आउट होनी है, क्योंकि नबुवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, रिमाइंडर्स ख़त्म, अल्लाह की तरफ से एक बिसात लपेटी जा रही है, वी आर रीचिंग द एंड। अब जो वाइप आउट होनी है वो क़यामत की फॉर्म में ही होनी है। जब क़यामत आएगी फिर सब कुछ ख़त्म, हर चीज़ को मौत आ जाएगी। हत्ता कि हमें रवायात से पता चलता है कि मौत को भी मौत आ जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद तो फिर मौत भी नहीं है ना, वो तो देयर इज़ आफ्टर लाइफ, वो तो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो वो दुनिया उस वक्त वाइप आउट होगी। उससे पहले जो दजाल आएगा, जाजूज माजूज आएंगे और ये नेगेटिव जो फोर्सेस हैं वो, और पॉजिटिव जो इमामुल महदी अलैहिर्रहमा और अलैहिस्सलाम आएंगे और हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। ये वो वक्त होंगे कि जहाँ पे मलहमतुल कुबरा आता है कि फुरात के किनारे, फुरात से सोने का पहाड़ निकलेगा और उसके ऊपर जंगें होंगी, लोग लड़ेंगे और हर शख्स को लगेगा कि मुझे ही ये सोना मिल जाएगा, लेकिन वो लड़ते लड़ते हर हज़ार में से 999 मारे जाएंगे। तो ये जंगें इतनी बड़ी अब होने वाली हैं और ये सारे वाक़यात होने हैं, लेकिन इसमें वाइप आउट नहीं होगा। क्यों? कम ज़रूर हो जाएंगे लोग, यानी मलहमतुल कुबरा हर हज़ार में से 999 तो मिडल ईस्ट में गए फरात के किनारे। तो आप खुद सोच लें कि अगर एक अरब आबादी है तो 1 करोड़ आ जाएंगे जी। 1000 करोड़ होते हैं ना, या 100 करोड़ होते हैं अरब, 100 करोड़। तो अगर 10 अरब हैं तो 1 करोड़ आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि वाइप आउट मुकम्मल नहीं होगी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की तरह, लेकिन बहुत ये जिसको कहते हैं ना कि आबादी स्कार्स रह जाएगी। तो ये उसकी बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है बाकी दुनिया की जगहों में भी ऐसे हो। हदीस से हमें मिडल ईस्ट का ये पता चलता है। तो वो जो कम लोग होंगे उनके ऊपर फिर क़यामत आएगी। Allah